दोस्तों ये है इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी इकलौती बाइक है जिस आप इसमें जितना भी मॉडिफिकेशन कर लेना वो भी इसमें कम रहेगा। तो चलिए अब मॉडिफिकेशन की बात तो हुई अलग, अब यहाँ पर हमने छोटा सा यहाँ पर एक और इसमें जो है मॉडिफिकेशन करना है। अब क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है दो तरह की बाइक होती है, जैसे कि हीरो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल और हीरो स्प्लेंडर न्यू मॉडल। तो उसके अंदर होता क्या है, जैसे कि एक ये पहले वाली है, इसके अंदर आपको ये छोटी सीट मिलेगी और यहाँ पर जो पैनल है ये आपको बड़ा मिलेगा। तो होता क्या है, यहाँ पर जो ये पैनल है अगर मान लो कहीं बार जैसे कि टूट जाता है, चार बंदे इस पर बैठे हैं तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा कई बार यहाँ से टूट जाता है, और जो जैनुअल होता है काफ़ी कॉस्टली होता है तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर देखिए जब ये माल टूट जाता है तो प्रॉब्लम तो होगी, तो अब इसको ना यहाँ पर बार बार टूटने से हमने कैसे बचाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरे पास दो ब्रैकेट है, देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है टेल पैनल ब्रैकेट स्प्लेंडर स्मॉल। तो यहाँ पर ये इसका 350 रुपये MRP है, दोनों का आपको 350 रुपये MRP मिलेगा। और अगर आप इसके लेने के इच्छुक हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। आपकी बाइक में कौन सा रहेगा, जैसे कि ये बड़ी प्लेट वाला है तो इसमें ये वाला रहेगा, और जो छोटे प्लेट वाला है इसमें ये। आपकी बाइक कितना मॉडल है, 2014 मॉडल के बाद इसमें ये लगता है छोटी वाली में, आप देख लेना आपकी बाइक में कौन सा लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसको लगाना है। यहाँ पर देखिए आपकी जो टेल पैनल होती है बार बार टूटने से हमने इसको कैसे बचाना है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी सीट को यहाँ से ओपन कर लेना है और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये कैसे इसमें लगेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें ये कैसे पैनल हमने फिट करना है। तो सबसे पहले आपने जो है ये जो ग्रैब रेल होता है इसके यहाँ पर 12 mm के चार बोल्ट खोल देने हैं और 10 mm के दो ये बोल्ट यहाँ पर लगे हैं, एक छोटी यहाँ पर जो ब्रैकेट देख सकते हैं। तो इसको भी चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा जो इसमें ये हुक होती है यहाँ पर इसको थोड़ा बाहर खींचेंगे और ये पैनल आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया, अब यहाँ पर इसको जो है आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से इसको बाहर ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी बाइक कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमने इसमें ये ब्रैकेट लगानी है तो ये कैसे इसमें लगेगी, यहाँ पर देखिए ये जो होती है ना ये ब्रैकेट आपने इसमें कुछ ऐसे लगानी है। अब आपकी बाइक में कौन सी लगेगी ये आपने देखना है, छोटे वाली है या बड़े वाली है। तो जैसे कि ये है इसमें, ठीक है, और ये है, थोड़ा यहाँ पर प्लेट का ही फ़र्क है, आप देख लेना इसमें कौन सी लगती है। तो अब यहाँ पर देखिए आपने इसको कुछ इस प्रकार से लगाना है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जो हमारा ये इसका पैनल है ये आपने ऐसे जैसे कि हमने इसको ओपन किया था बाहर निकाला था, तो इसको यहाँ पर आपने इसमें लगाना है। लगाओ भाई इसको, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से जो है इसमें ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रैब रेल है जो कैरियल होता है ये हमने इसमें लगाना है, ये हम बाद में लगा लेंगे। तो पहले इसको लगाओ भाई, तो हम आपको जो भी दिखा रहे हैं पूरे सही तरीके से इसका लगाने का तरीका, तो इसको थोड़ा से लगाओ आप। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस हमने जो है इसको यहाँ पर फिट कर दिया है, और जो हमारे टेल पैनल होता है अब यहाँ पर जैसे कि इस पर अगर मान लो किसी का जो बैक होती है यहाँ पर वजन भी आ जाता है तो यहाँ पर ये नहीं टूटेगा, चाहे आप इसको खेतों में क्यों ना ले जाएं। और यहाँ पर जैसे कि खाद कट्टा जो होता है वो आप रख लेते हैं और यहाँ पर ये पैनल टूट जाता है, तो ये जो ब्रैकेट होती है जो हमने इसमें डाली है ये आपके टेल पैनल की जो है एक अब सेफ्टी गार्ड बन चुकी है, जिसे यहाँ पर ये न टूटे। तो अब यहाँ पर जो है ये जो हमने इसमें ब्रैकेट लगाई है ये आपके पैनल की एक गार्ड बन चुकी है, ताकि आपका पैनल बार बार न टूटे। तो यहाँ पर ये दो तरह के पैनल आते हैं, जो हमारे ये हीरो स्प्लेंडर ओल्ड और इस हीरो स्प्लेंडर न्यू, तो इसके अंदर आपको ये दो तरह के ब्रैकेट भी मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये स्मॉल है और ये बड़े वाला, तो आप इस तरीके से जो है इसके अंदर ये लगा सकते हैं। तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं, आप अपनी बाइक में लगाना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इसको अपने घर पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी ही जानकारी थी इस टेल पैनल से लेके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।